हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके करण चैनल पे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो प्राचीन भारत का इतिहास का सेकेंड पार्ट है। इसमें आपको बहुविकल्पिक प्रश्न, महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न बताए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 318 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 325 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित किया? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी उग्रसेन, ऑप्शन डी पांडु। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और जो नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी देववर्मन, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी बृहदत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बृहदत्त जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसका शासनकाल जो है वो 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन फोर देखते हैं, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी देववर्मन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक को जो है वो मौर्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, जिसका शासनकाल जो है 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था, जिसने कुल 37 वर्षों तक शासन किया। अशोक को भारत का सबसे महान शासक भी माना जाता है। अशोक का अंतिम युद्ध जो था वो कलिंग का युद्ध था, इसके बाद उसने अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्वेश्चन फाइव देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बृहदत्त, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही आंसर है अशोक, तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी, जो मौर्य वंश का शासक था, और यह बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है मोगली पुतिस ने की थी। क्वेश्चन सिक्स देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी विशाखादत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा। क्वेश्चन सेवन देखते हैं, कामंदक की नीति सार की रचना किसने की? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कामंदक, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी देववर्मन। तो इसका सही आंसर है कामंदक की नीति सार की रचना जो है वो कामंदक ने की थी, जो चाणक्य का शिष्य था। चाणक्य जो है वो विष्णु शर्मा तथा कौटिल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एट देखते हैं, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगिरी। तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नाइन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए कारसापड़, ऑप्शन बी सुवर्ण, ऑप्शन सी निस्क, ऑप्शन डी रुपया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम जो है कारसापड़ था, जिसको पड़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन टेन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ हुआ? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन डी पांडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ। सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस या सेंडोकोटस और एंडोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।